दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम 15 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं जीके के, उसके एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न है, जैसे ये पहला प्रश्न देख सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे जो प्रश्न है हर एक शिफ्ट में रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाए। दोस्तों अगर आपका जो आज एग्ज़ाम था 15 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का, तो आप कमेंट में कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अगर आप जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया वो भी क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत कब हुआ, तो दोस्तों ये 5 अप्रैल 2016 को। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो यह 1986 में। अगला प्रश्न था कि अलबुरिनी ने किताब उल हिंद भाषा में लिखी थी, तो ये अरबी भाषा में लिखी थी। दोस्तों ये देखिए जो ये तीनों प्रश्न लिखा है रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, शहरी क्षेत्रों में जो कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवेश करती है, मतलब 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर जो शहरी क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो शहरों में निवेश करती है, तो 31.16% शहरों में निवेश करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो फीफा है वो किस देशों ने खेला है, तो दोस्तों यह जो खेला है ब्राज़ील ने खेला है। अगला प्रश्न था दोस्तों परिवेश जो पोर्टल है, परिवेश का पूरा नाम पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था, तो फुल फॉर्म दोस्तों जो परिवेश का है वो काफ़ी बड़ा है, तो और देख सकते हैं जो परिवेश का फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलेशन बाय इंटरक्टिव वर्टुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब, इसका जो है फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न पूछा था कि गगन का फुल फॉर्म क्या है, तो गगन का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह GPS एडेड जियो अग्यूमेंटेड नेविगेशन है। अगला प्रश्न पूछा था कि गांधीनगर गुजरात से है तो उसी तरह शिलांग क्या है, तो गांधी का गुजरात का जो राजधानी वो गांधीनगर है, तो शिलांग किसकी राजधानी है दोस्तों, यह मेघालय की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो UNEP का जो मुख्यालय वो नैरोबी केन्या में। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे, उसमें सही जो आंसर था वो साबरमती नदी थी जो अरब सागर में गिरती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, यहाँ पर इसको याद कर लें, नूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी, ये सब इंपॉर्टेंट नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और इनसे भी आगे वाले प्रश्नों में एग्जाम बनने की संभावना है। अगला प्रश्न था कि रत्नावली किताब के लेखक कौन है, ये भी देख सकते हैं बहुत बार रिपीट हुआ, हर्षवर्धन है, रत्नावली किताब के लेखक हर्षवर्धन है। अगला प्रश्न है कि किस तरह के ऑब्जेक्ट में प्रतिबिंब दिखाई देती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऊर्जा है जो वो नवीकृत है, रिन्यूएबल है, तो दोस्तों जो सनलाइट एनर्जी वो नवीकृत है। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सी जो मिसाइल है वो हवा से हवा में मार करती है, तो दोस्तों ये जो ये प्रश्न है ये 27 फेब के जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उस टाइम ये प्रश्न पूछा था। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप बिना स्किप ये देखिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या था, अगर आपका प्रश्न आपका आज एग्जाम था तो उसका सही आंसर था अस्त्र। अस्त्र जो है वो हवा में हवा से मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न था कि 2019 में गांधी जी की जो जयंती वो कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो दोस्तों 2019 में जो जयंती मनाई गई थी वो गांधी जी की 150वीं जयंती थी। अगला प्रश्न था कि कौन से जो मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा समय तक कार्यरत रहे हैं, तो वो दोस्तों है पवन चामलिंग जी है, 24 साल तक लगातार कार्य किए मुख्यमंत्री के रूप में, वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न पूछा था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, ये भी रिपीटेड प्रश्न है कि जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, तो दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है दोस्तों वो गीगाहर्ट्ज या और मेगाहर्ट्ज में, ये दोनों में मापी जाती है, और इसमें से जो आपके ऑप्शन होंगे वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 15 फरवरी के जो सेकंड शिफ्ट का पोस्ट क्वेश्चन था यहाँ पे हमने देखा उसका एग्ज़ाम एनालिसिस देखा जीके का। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आपका एग्ज़ाम आज था, तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर मैंने जो क्वेश्चन नहीं लिया आप वो कमेंट में भी बता सकते हैं। दोस्तों इस चैनल से जुड़ जा जुड़ा जा सकता